हेलो फ्रेंड, वेलकम इन मेक स्टिचिंग ईजी, जहां आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम इस अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए है, तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है, तो इसे हम खोल के रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें बॉटम का पार्ट कट करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैंने इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है, और नीचे से हम इसका टॉप पार्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए, हम वेस्ट मार्क कर लेंगे। तो वेस्ट जितनी भी है उसका 1/4 लेना है, और उसमें लगभग 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो मैं इसमें टोटल 6 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मैंने मार्क किया, और तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क कर लेंगे। तो जो टॉप पार्ट की लेंथ है वो मैं 9 इंच की रखूँगी। तो ऊपर की साइड मैंने 9 इंच छोड़ दिया है, और इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा 23.5 इंच आ रहा है कपड़ा बॉटम का। तो हम पूरे राउंड में इसे मार्क कर लेंगे इस टेप को घुमाते हुए इस तरह से। इस तरह से मैंने इसे मार्क कर लिया है। इसे हम थोड़ा सा डार्क करेंगे निशान, और सेम निशान पे हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे बॉटम की कटिंग हो गई है। इस तरह से देखिए, ये बॉटम की कटिंग हमने कर ली, और इसके बाद हम इसका टॉप पार्ट कट करेंगे। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम 4 लेयर में रखेंगे। तो पहले हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे 4 फोल्ड में रखेंगे। इसे बेबी की चेस्ट के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड में रखना है। चेस्ट जितनी भी है उसका 1/4 ले लेना है, प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं टोटल 8.5 इंच तक कपड़े को 4 फोल्ड में रख रही हूँ, और लेंथ इसकी मुझे 9 इंच चाहिए। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क कर लेंगे। तो 9 इंच मुझे रेडी चाहिए। हम इसमें लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन। तो मैंने 10.5 इंच लिया है। अभी इसे हम कट करके निकाल लेंगे। और इसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो ये ओपन साइड है, ये बंद साइड है। बंद वाली साइड से हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो मैं इसमें 5 इंच मार्क करूँगी। शोल्डर जितनी भी है उसका 1/2 लेते हैं। तो यह मैं 5 इंच मार्क किया मैंने। आर्म होल के लिए भी हम 5 इंच मार्क कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, और इसके बाद हम चेस्ट मार्क कर लेते हैं। तो चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच लेंगे। तो मैं टोटल 8.5 इंच ले रही हूँ। वेस्ट के लिए भी वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच लेना है। तो यहाँ पे टोटल मैं 8 इंच मैंने लिया है। इस तरह से मार्क कर लेंगे, आर्म होल में यहाँ गोलाई देंगे, और इसके बाद हम इसकी नेक मार्क कर लेंगे। तो इसकी नेक की विड्थ मैं 2 इंच रखूँगी। 2 इंच मैंने मार्क किया, और नेक डीप के लिए। बैक के लिए मैं 2 इंच मार्क कर रही हूँ, और फ्रंट के लिए मैंने 3 इंच मार्क किया है। फ्रंट और बैक दोनों साइड में हम राउंड शेप देंगे। इस तरह से मैंने मार्क किया है, और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है। अभी इसमें से बैक पार्ट निकाल लेंगे और कपड़े को फिर से फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट नेक इसकी कट कर लेंगे। तो कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है, अभी हम इसके स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट को देखिए, हम पीछे से बैक से ओपन रखेंगे, तो हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने बैक पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है। अभी हम इसे खोल के रखेंगे और ये मैंने स्ट्रिप ले ली है जिसे हम दोनों साइड इसकी अटैच करेंगे, तो इसके ऊपर रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम इसे ऊपर रखेंगे और इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद जो लेफ्ट साइड की स्ट्रिप है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड की जो स्ट्रिप है उसे भी हम फोल्ड करेंगे। हमें हाफ इंच स्ट्रिप को बाहर की साइड रखना है इस तरह से, और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने स्ट्रिप्स इसमें अटैच कर ली हैं। अभी हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को एक साथ रखेंगे, सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और इसके शोल्डर हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो इसके शोल्डर्स मैंने अटैच कर लिए हैं। अभी आर्म होल्स के लिए मैंने ये क्रॉस स्ट्रिप ले ली हैं। इसे टू फोल्ड में इस तरह से रखते हुए इसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से टू फोल्ड में रखेंगे और इसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। नेक के लिए भी मैंने क्रॉस स्ट्रिप ली है, इसे भी टू फोल्ड करते हुए यहाँ देखिए बैक साइड में हाफ इंच फोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरी नेक में हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ भी हम हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने स्ट्रिप्स अटैच कर ली हैं। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स बनाएंगे। इस तरह से आर्म होल्स में हम कट्स बनाएंगे, नेक में भी हम छोटे छोटे कट्स बनाएंगे। कट्स बनाते टाइम सिलाई का ध्यान रखें, सिलाई ना कटे। और इसके बाद इस स्ट्रिप को हम टर्न कर लेंगे बिल्कुल अंदर की साइड इस तरह से, और टर्न करने के बाद हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। नेक की स्ट्रिप को भी हम इस तरह से अंदर की साइड टर्न करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने आर्म होल्स और नेक इसकी तैयार कर ली है। और यहाँ देखिए, बैक पार्ट से मैंने नीचे से इसे एक सिलाई लगा के ज्वाइन कर लिया है। इसमें अभी हम बॉटम का पार्ट अटैच करेंगे, सीधी साइड एक साथ मिला के रखेंगे इस तरह से, और फ्रंट पार्ट में इसे वेस्ट से सिलाई लगा के अटैच करेंगे। ठीक इसी तरह से हम बैक का पार्ट भी अटैच करेंगे, सीधी साइड एक साथ रखेंगे और इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने टॉप और बॉटम को सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम पलट के उल्टे साइड से रख लेते हैं। तो एक बार फिर से हम इसके फिटिंग के निशान नाप के लगा लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे सबसे पहले। यहाँ चेस्ट का सेंटर पॉइंट मैंने मार्क किया और सेंटर पॉइंट से एक साइड हम चेस्ट का 1/4 मार्क करेंगे। इस तरह से मैं 6 इंच मार्क कर रही हूँ और वेस्ट का भी यहाँ 1/4 मार्क करेंगे। इसके साथ ही दूसरी साइड भी हम चेस्ट और वेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे इस तरह से, और नीचे तक इसे एक्सटेंड कर लेंगे दोनों साइड। और इसके बाद ये मैंने बेल्ट तैयार कर ली है दोनों साइड्स के लिए, इसे भी हम अटैच करेंगे। तो अंदर की साइड से हम रखेंगे यहाँ जहाँ हमने ज्वाइंट किया है टॉप और बॉटम को, वहाँ पे इसे रखेंगे। इसे हम पिन से फिक्स कर लेते हैं इस तरह से। दूसरी साइड की बेल्ट को भी हम इसी तरह से रखेंगे। और इसके बाद इनकी हम सिलाई लगाएंगे और नीचे से इसके घेर को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, नीचे से इसे फोल्ड भी कर लिया है।
हमारी फ्रॉक बन के रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।